हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, जब हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होता है ना, तो डेफिनेटली हमारी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी हो जाती है और सभी लोग हमारी तरफ आकर्षित होना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति की तरफ तभी आकर्षण बढ़ता है जब वो पॉजिटिविटी को रेडिएट कर रहा हो। अगर कोई व्यक्ति मनुष्यत फैला रहा है या किसी किसी छोटी छोटी बातों पर अगर वो खींच जाता है, तो डेफिनेटली लोग उससे कटना शुरू कर देते हैं। तो हमेशा अपनी पर्सनालिटी को पॉजिटिव बनाइए, चार्मिंग बनाइए, ताकि आपकी ये खूबसूरत पर्सनालिटी लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करे और आप एक बेहतर जो जीवन यापन है वो कर सकें। चलिए दोस्तों, इसी खूबसूरत सी बात के साथ शुरू करते हैं आज के वीडियो को, जहां पर हम बात करने वाले हैं DIY आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में। जी हां दोस्तों, ये आदिवासी हेयर ऑयल आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा धूम मचाए हुए है। आज हम चार चीजों का इस्तेमाल करेंगे और ये चारों चीजें आयुर्वेद के अंदर लिखी गई हैं, इनका बहुत ज्यादा वर्णन किया गया है और इनके इस्तेमाल से मैंने खुद ने भी देखा है कि बहुत सारे पेशेंट्स के बालों की जो लंबाई है वो बहुत तेजी से बढ़ी है और ये हेयर ऑयल आप बहुत कम दामों के अंदर अपने घर में बना सकते हैं। सो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। हर एक इंग्रेडिएंट को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, वो क्या करता है, वो कैसे काम करता है, कितनी क्वांटिटी में डाला गया है और इसी प्रोपोर्शन के साथ अगर आप बनाएंगे तो डेफिनेटली ये हेयर ऑयल आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। सो देर नहीं करते और शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, हेयर ऑयल्स तो हमारी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा रहे हैं। बालों के अंदर चंपी करना डेफिनेटली सदियों से हमारे देश की प्रथा रही है, क्योंकि इसकी वजह से ना सिर्फ हमारे जो ब्रेन है उसको शांति मिलती है, बल्कि हमारे बालों को पोषण भी मिलता है। बट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि किया किससे जाए, क्योंकि आजकल मार्केट में ऐसे ऐसे ऑयल्स आ गए हैं जो कहते हैं हम नॉन ग्रीसी हैं। अब आप मुझे खुद बताइए, कमेंट्स लिख के मुझे बताइएगा कि अगर हम कह रहे हैं तेल है तो क्या वो नॉन ग्रीसी हो सकता है? क्योंकि तेल का मतलब होता है कि उसमें फैट जरूर होगा और अगर उसमें फैट नहीं है तो वो तेल कैसा है? तो ये चीज़ आप ज़रूर मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि जो आजकल बड़ा चलन चला है नॉन ग्रीसी ऑयल का, वो कितना आपके लिए काम करके दे रहे हैं। इस आदिवासी हेयर ऑयल को कोई भी व्यक्ति लगा सकता है, जो मैं आज आपको बनाना सिखा रहा हूँ। 3 साल के बच्चे से लेकर के आप किसी भी एज ग्रुप के व्यक्ति को आराम से इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें करियर ऑयल चाहिए। करियर ऑयल मतलब कि एक बेस ऑयल चाहिए, जिस ऑयल के अंदर हम इन जड़ी बूटियों को डिकॉक्शन के रूप में तैयार करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर 2 ऑयल्स जो हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर 1 जो मैं कहता हूँ वो है तिल ऑयल। तिल ऑयल सबसे बेस्ट माना जाता है आयुर्वेद के अंदर, स्किन के लिए भी और बालों के लिए भी। और सफ़ेद तिल की जगह पर अगर आपको काले तिल का तेल मिल जाए तो कहना ही क्या, क्योंकि काले तिल के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा सफ़ेद तिल की कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से आपके बालों को और भी ज़्यादा पोषक तत्व मिलने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पर 0.5 लीटर काले तिल का तेल या सफ़ेद तिल का तेल ले रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या प्रपोर्शन रहेगा वो मैं आगे बताऊँगा। तिल के अलावा और कौन सा तेल ले सकते हैं? तो तिल के अलावा आप यहाँ पर ऑलिव ऑयल ले सकते हो। ऑलिव ऑयल भी एक अच्छा ऑप्शन है इस ऑयल को बनाने के लिए, लेकिन मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस तिल का तेल ही होने वाला है। 0.5 किलो अगर आपने तिल का तेल या ऑलिव ऑयल लिया है, इसके अंदर आपको 100 ग्राम जो है वो अमर बेल डालनी है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर अमर बेल ये क्या होती है? दोस्तों, बहुत बार आपने पुराने समय में, आजकल तो पेड़ बहुत ज़्यादा नहीं दिखते हैं क्योंकि हम इतने घने आदमियों के जंगल में आ गए हैं कि जो जंगल में जो पेड़ दिखाई देते थे वो गायब ही हो गए हैं। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी किसी पेड़ के ऊपर तारों जैसी, हरी हरी तारों जैसी एक बेल लगी हुई होती है, जिसके बारे में ये कहा भी जाता था कि ये बेल जिस भी पेड़ पर चढ़ जाती है उस पेड़ को पूरा सुखा देती है। बिल्कुल वही अमर बेल है जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो। बहुत आराम से अमेज़ॉन पर अवेलेबल है, मैं भी आपको लिंक दे दूंगा जहाँ से जाकर के आप इसको खरीद लीजिएगा। तो 100 ग्राम हमें ये अमर बेल इस 0.5 लीटर हेयर ऑयल के अंदर डाल देनी है, बट सूखी हुई प्रॉपर होनी चाहिए और कोशिश करें इसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके डालें, लंबी लंबी ना डालें, क्योंकि जितना छोटे छोटे टुकड़े करके आप डालोगे उसके अंदर से पोषक तत्व इस तेल में ज़्यादा जाएंगे और जितने ज़्यादा पोषक तत्व जाएंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट हमें मिलने वाला है। तो पहला नंबर पे तो ये बात आती है हमारे दिमाग में कि सर अमर बेल का हमारे बालों के लिए फ़ायदा क्या है। ये एक नेचुरल बायोटीन है
जिसकी वजह से हमारे बालों के अंदर जो पोषक तत्वों की कमी हो गई है, जिसकी वजह से हमारे बाल टूटना शुरू हो गए थे या झड़ना शुरू हो गए थे या गंजापन आ गया था, उसको रिकवर करने में ये अमरबेल हमारी मदद करती है। दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि ये हमारे बालों की जड़ों के अंदर खून के प्रवाह को बढ़ाती है। जितना ज़्यादा ब्लड का सर्कुलेशन होगा, उतना ज़्यादा बेहतर ढंग से आपके बालों को रिजुविनेट कर पाओगे। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा बालों की जड़ों को, उतना ज़्यादा बाल मजबूत होंगे और उतने नए नए बाल आपकी खोपड़ी में उगना शुरू हो जाते हैं। दूसरा इंग्रेडिएंट क्या डालेंगे? दूसरा इंग्रेडिएंट है कलौंजी के बीज, जिसको ब्लैक सीड्स भी कहा जाता है। कलौंजी के बीज जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं अपने बालों की बहुत अच्छी देखभाल करने के लिए। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, माइक्रो कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि बालों की सारी जो ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा कर देते हैं। स्पेशली इस कलौंजी के बीज के अंदर होता है जिंक, और ये जो जिंक है ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और बहुत ही ज़्यादा प्रूवन है बालों के झड़ने की समस्या को ख़त्म करने के लिए। और इसके अलावा ये जिंक मदद करता है बालों की लंबाई को बढ़ाने के लिए भी। तो जो कलौंजी के बीज है वो हमें यहाँ पे डालने हैं लगभग 50 ग्राम। तीसरा इंग्रेडिएंट जो दोस्तों हमें यहाँ पर ऐड करना है वो है रोजमेरी की लीव्स, जो सूखा हुआ रोजमेरी की जो पत्तियाँ आती हैं वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ये भी अमेजोन पर बहुत इजीली आजकल अवेलेबल है, और रोजमेरी ने तो इतने सारे रिसर्चेस में ये भी प्रूव कर दिया है कि मिनोक्सिडिल, चूँकि एलोपैथिक मेडिसिन है जो कि बालों को दोबारा उगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उससे भी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स दिए हैं कुछ कुछ रिसर्चर्स में रोजमेरी ने भी। तो मेक श्योर रोजमेरी को डालना ना भूलें, क्योंकि रोजमेरी ही एक इस हेयर ऑयल की जान होने वाला है। तो रोजमेरी जो है वो हमें यहाँ पर डालना है 50 ग्राम, सूखी उसकी 50 ग्राम आपको पत्तियाँ डालनी है। चौथा और जो लास्ट इंग्रेडिएंट जो दोस्तों आपको इसके अंदर ऐड करना है वो है हजारे का फूल, जो गेंदे का फूल जो रहता है ना, वो आपको सूखी हुई उसकी पत्तियां लगभग 25 ग्राम के आसपास डाल देनी है। मार्केट में सूखी हुई भी मिलती है, नहीं तो भगवान जी को कोई भी माला जब 2-3 दिन 4 दिन हम चढ़ा के रखते हैं वो सूख जाती है, उसको भी आप खोल करके उसकी जो पत्तियां रहती हैं, जो उसकी येलो कलर की जो छोटी छोटी पेटल्स रहती हैं, वो भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसके अंदर क्या होता है, तो ये बेसिकली हमारे बाल के अंदर एंटी डीएचटी प्रॉपर्टीज देती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर ही देखा गया है कि हार्मोन्स के डिसबैलेंस होने की वजह से उनके बालों के अंदर डीएचटी बन जाता है। और ये जो डीएचटी है ये बड़ा तकलीफ देता है, क्योंकि बालों को ये श्रिंक करने लगता है, बालों को पतला करने लगता है, और ये पतले होते हुए बाल बहुत ज़्यादा दिक्कत देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको यहाँ पर इस्तेमाल करें। 20 ग्राम हमने इसको डाल दिया। अब इन चारों चीज़ों को डालने के बाद इस तिल ऑयल को या फिर ऑलिव ऑयल को बढ़िया से आप गर्म कीजिए, जब तक ये सारी चीज़ें अच्छे से जल नहीं जाती हैं और अपने गुण इस तेल को नहीं दे देती हैं। आप इसको ठंडा करने के बाद आप छानिए, और छानने के बाद एक कांच की बॉटल में भर करके आप इसको रख लीजिए। इस हेयर ऑयल को आप हफ्ते में 2 बार रात को सोने से पहले बढ़िया से मालिश कीजिए अपने बालों की, ताकि ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर हो। रात भर छोड़ दीजिए और सुबह किसी भी माइल्ड शैम्पू के साथ में आप इसे वॉश कर लीजिए। माइल्ड शैम्पू की जब भी आप बात करते हैं तो मैं हमेशा कहता हूं कि आपको स्किन अफेयर्स का हेयर रिचुअल शैम्पू ही ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सेफ और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव शैम्पू है, जिसके अंदर ना तो किसी तरह के कोई केमिकल्स का इस्तेमाल हुआ है और ना ही किसी तरह के इसके अंदर कोई सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स को डाला गया है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सेफ है। इवन 2 दिन के बच्चे पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेक श्योर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो ये मैंने DIY हेयर ऑयल आपको बताया ये आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके हमें मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जैसे मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल।